अगर मैं आपसे पूछूं कि आईपीएल ऑक्शन के बाद आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी लग रही है और सबसे ज्यादा वीक टीम कौन सी लग रही है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्योंकि देखिए, एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से आईपीएल ऑक्शन खत्म हुई है तब से आपने अपनी अपनी फेवरेट टीम्स की प्लेइंग 11 तो बना ही ली होगी, और इसके साथ ये भी एनालाइज कर लिया होगा कि जो आपकी फेवरेट टीम है उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है। तो मैंने सोचा कि चलिए जरा एक वीडियो में बात करते हैं कि जो सारी 10 टीम्स हैं वो आईपीएल ऑक्शन के बाद कैसी नजर आ रही, यानी जितनी भी टीम्स हैं उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, और सारी टीम्स की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वो कैसी नजर आ सकती। तो देखिए, जाहिर सी बात है 10 टीम्स की बात होगी तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो आप शुरुआत में ही बता दीजिए कि जो आपकी फेवरेट टीम है उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, और जो आपकी फेवरेट टीम है उसकी प्लेइंग 11 नजर कैसे आ रही है। आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि शुरुआत करते हैं सीएसके से। अब देखिए, सीएसके एक ऐसी टीम है जो कि चिपॉक के मैदान पर खेलती है, तो जाहिर सी बात है कि जब सीएसके की टीम ऑक्शन में जाती है तो सिर्फ स्पिनर्स के पीछे भागती है, और इस साल भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि सीएसके की टीम का जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर सीएसके टीम की है तो वो यही है कि जो उनका स्पिन डिपार्टमेंट है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस टीम की स्ट्रेंथ से, क्योंकि सीएसके की टीम ने आईपीएल ऑक्शन में सबसे अच्छा काम कुछ किया तो अपने कोर को रिटेन किया। अब आप सीएसके को देखिए, इस टीम में डेवन कॉनवे वापस आ चुके हैं, रचिन रविंद्र वापस आ चुके हैं, रविचंद्रन अश्विन की घर वापसी हो चुकी है, और सैम करन भी वापस आ चुके हैं। तो मतलब एक तरह से आपने उन मैक्सिमम प्लेयर्स को खरीद लिया जो कि लास्ट ईयर आपके साथ थे और एक जमाने में भी आपके लिए खेलते थे, तो वो एक जो इमोशन था जो सीएसके फैंस के साथ जुड़ा था वो दोबारा से वापस आ चुका है। इसके अलावा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टीम का स्पिन डिपार्टमेंट है वो बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। अब आपके पास जडेजा पहले से थे, आपने रविचंद्रन अश्विन को खरीद दिया और आपने नूर अहमद को खरीद दिया, तीन क्वालिटी स्पिनर्स आपके पास है। मतलब एक तरीके से जो आपकी प्लेइंग 11 है उसमें बहुत सारे क्वालिटी स्पिनर्स हैं, तो एक तरह से अब लगता है कि जो चिपॉक का मैदान है वो दोबारा से फोर्ट्रेस बनने वाला है। इसके अलावा, हम सब जानते हैं कि सीएसके की टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उनके ऑलराउंडर्स, और इस साल भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि सीएसके की जो प्लेइंग 11 नजर आ रही है उसमें कम से कम 5 से 6 तो ऑलराउंडर्स नजर आ रहे हैं। मतलब सोचिए, ऐसी कितनी टीम्स हैं जिनके पास इतने सारे प्लेयर्स हों जो कि बैटिंग भी कर सकें और बॉलिंग भी कर सकें। तो आई थिंक सीएसके की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका स्पिन डिपार्टमेंट और उसमें ऑलराउंडर्स का होना। अब जाहिर सी बात है, भाई स्ट्रेंथ है तो वीकनेस भी होगी, और वीकनेस ये है कि यार 42 साल के एमएस धोनी आपके लिए अभी भी फिनिश करेंगे। उसके अलावा कोई फिनिशर दिख रहा है आपको? एक क्वालिटी स्पिनर, एक क्वालिटी फिनिशर जिस पे आप भरोसा जता सके? अब जरूर आपने सैम करन को खरीदा है, आपके पास रविंद्र जडेजा है, अश्विन को आपने खरीद लिया है, पर क्या कोई भी धोनी के लेवल का फिनिशर है? वेल, आई डोंट थिंक उस लेवल का है। तो आई थिंक सीएसके की टीम जिस चीज में सबसे ज्यादा लैक कर रही है वो उनका फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। और इसके अलावा, अगर आप टीम के पेसर्स की बात करें तो आई डोंट थिंक आपको उस लेवल के पेसर्स मिले जो कि आपको चाहिए थे। मतलब आप लास्ट ईयर देखें तो सीएसके वो टीम थी जहां पर तुषार देशपांडे थे, दीपक चाहर हुआ करते थे, उस लेवल का पेस डिपार्टमेंट आपका अब नहीं है। तो चलिए एक बार पॉसिबल 12 देखते हैं, मतलब हर टीम की पॉसिबल 12 देखेंगे, पहले प्लेइंग 11 बनाएंगे और एक इंपैक्ट प्लेयर की बात करेंगे। अब देखिए, सीएसके के कप्तान होंगे ऋतुराज गायकवाड़, उनके साथ ओपन करेंगे डेवन कॉनवे, नंबर 3 पे आ सकते हैं राहुल त्रिपाठी, और 4 पे आ सकते हैं दीपक हुडा, फिर 5 पर आपके लिए आ जाएंगे शिवम दुबे, 6 पे आ जाएंगे सैम करन, और फिर आ जाएंगे विकेट कीपर यानी कि एमएस धोनी। इसके बाद अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो आपके पास जडेजा का नाम है, रविचंद्रन अश्विन का नाम है, और एक नूर अहमद का नाम है। फिर अगर पेसर्स की बात कर लें तो आपके पास खलील अहमद हैं और मथीशा पथिराना है। ये सीएसके की टीम नजर आ रही है। अब खलील अहमद ठीक है, अच्छे बॉलर हैं, बट क्या उतना क्वालिटी है उनके पास? क्या उतना भरोसा देते हैं वो आपको? तुषार देशपांडे, दीपक चाहर आपके पास थे, लेकिन उस लेवल का कोई गेंदबाज नहीं मिला। मथीशा पथिराना एक अच्छे बॉलर है। तो इन ऑल लाइकलीनेस सीएसके की टीम को देखें तो बैटिंग अच्छी है, थोड़ा सा फिनिशिंग उनकी वीक है, गेंदबाजी की बात करें तो स्पिन डिपार्टमेंट एकदम टॉप नॉच है, लेकिन जो फास्ट बॉलिंग है वो थोड़ी सी वीक नजर आती है। और अब चलते हैं सीएसके से मुंबई, यानी कि आईपीएल इतिहास की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम। अब आप मुंबई को देखते हैं तो सबसे अच्छी बात नजर आती है उनका रिटेंशन, क्योंकि भाई रिटेंशन में इतने सारे प्लेयर्स को ले लिया था कि जब ऑक्शन में गए तो ओवरसीज प्लेयर्स को तो जरूरत ही नहीं पड़ी लेने की। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आईपीएल ऑक्शन के बाद जब मुंबई की प्लेइंग 11 बनेगी तो उसमें ओवरसीज प्लेयर्स ही नहीं होंगे, 4 प्लेयर्स नहीं है उनको जरूरत, क्योंकि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मुंबई टीम की यह है कि जो आपका इंडियन कोर है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। सोचिए, रोहित शर्मा इंडियन टीम के ओडीआई और टेस्ट टीम के कैप्टन, जसप्रीत बुमराह जो अभी टेस्ट में कप्तानी कर रहे थे, सूर्य कुमार यादव टी20 टीम के कैप्टन, इतने सारे कप्तान आपकी टीम में हैं, और हार्दिक पांड्या आपके कप्तान हैं, मतलब सारे के सारे टॉप नॉच प्लेयर्स हैं।
तो आई थिंक मुंबई टीम की अगर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कोई है तो वो है उनका इंडियन कोर, और दूसरी स्ट्रेंथ उन्होंने बना ली है उनकी फास्ट बॉलिंग। भाई एक ऐसी टीम जहां जसप्रीत बुमराह पहले से हूं तो उनकी फास्ट बॉलिंग पे तो आप डाउट वैसे ही नहीं कर सकते, और अब इस टीम के पास आ चुके हैं ट्रेंट बोल्ट और साथ में दीपक शाह। सोचिए क्या क्वालिटी हो गई है पावर प्ले में, यहां पर दीपक शाह है, यहां पर ट्रेंट बोल्ट है, यहां पर जसप्रीत बुमराह है। इसके अलावा अगर आप मुंबई की वीकनेस की बात करें तो आई थिंक सबसे बड़ी वीकनेस होगी उनका स्पिन डिपार्टमेंट। कोई बहुत बड़े बोलर्स नहीं है, आपने जरूर अफगानिस्तान के अल्लाह गजनफार को लिया है जो एक बहुत अच्छे बोलर है, रिसेंटली अच्छा भी खेलकर आए, पर यार मुंबई के मैदान पे वानखेड़े का मैदान एकदम फ्लैट पिच, आई डोंट नो कि गजनफार कितना कर पाएंगे वहां पर। दूसरे स्पिनर की बात करें तो वहां पर मिचेल सैंडनर आ जाते हैं, तो आई थिंक स्पिन डिपार्टमेंट है जो थोड़ा सा वीक नजर आता है, और दूसरा है टीम का फिनिशिंग डिपार्टमेंट। मुंबई का टॉप ऑर्डर जितना स्ट्रांग है उतना ही वीक है उनका लोअर मिडिल ऑर्डर। अगर आप हार्दिक पांड्या को छोड़ दें तो कोई भी नजर नहीं आता। जरूर आपने रॉबिन मिंस को खरीदा है जो कि मे बी विकेट कीपिंग भी कर लें, पर क्या रॉबिन मिंस एक फिनिशर है? किसी ने नहीं देखा करते हुए, कर जाए तो अलग बात है पर करते हुए किसी ने नहीं देखा। तो मुंबई टीम की बात करें तो टॉप ऑर्डर एकदम टॉप नॉच है, लोअर मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा वीक नजर आता है। बोलिंग की बात करें तो फास्ट बोलिंग जितनी अच्छी है स्पिन बोलिंग उतनी ही वीक नजर आ रही है। अब अगर आप उनकी प्लेइंग 11 की बात करें तो रोहित शर्मा, उनका साथ दे देंगे विल जैक्स, 3 पे आ जाएंगे तिलक वर्मा, 4 पे आ जाएंगे सूर्य कुमार यादव। फिर नीचे अगर आप जाएं तो नमनधीर का नाम आएगा, हार्दिक पांड्या का नाम आएगा और रॉबिन मिंस का नाम आएगा, ये उनका लोअर मिडिल ऑर्डर है। इसके अलावा स्पिनर्स की बात कर लें तो मिचेल सैंडनर हो गए और साथ में आप अल्लाह गजनफार को यूज कर सकते हैं, और फास्ट बोलर्स तो देखिए टीम के पास टॉप नॉच है, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह। आई थिंक आईपीएल का सबसे अच्छा फास्ट बोलिंग किसी के पास है तो वो मुंबई इंडियंस के पास। चलिए दो टीम्स की बात हो गई, अब चलते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि पिछले साल की चैंपियन टीम, और ये कहना गलत नहीं है कि केकेआर की टीम ने दोबारा वही टीम बना ली है जो पिछले साल थी। सोचिए नंबर 4 से लेकर नंबर 7 तक आपके पास फिनिशर्स ही फिनिशर्स हैं। आपके पास आंड्रे रसल जैसा प्लेयर है, आपके पास वेंकटेश अय्यर है, आपके पास रमनदीप सिंह है, क्वालिटी पेसर्स, क्वालिटी मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स, सारे एक से बढ़कर एक। इसके अलावा अगर आप पिछली बार से कंपेयर करें तो एक ओपनर आपका गया था, आपने फिल सॉल्ट को रिलीज किया था, तो आपको उनके बदले एक और अच्छा प्लेयर मिल गया क्विंटन डे को। आपने मिचेल स्टार्क को छोड़ा था तो आपको उनकी जगह भी एक अच्छा बॉलर मिल गया एनरिक नोकिया, स्पेंसर जॉनसन भी मिल गए, तो आई थिंक केकेआर का काम चल जाएगा। इस साल अगर ऑक्शन के बाद केकेआर टीम की बात करें तो लगभग सेम टीम आपकी बन गई है जो कि पिछले साल थी। ऐसे में अगर मुंबई टीम की अब अगर स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात कर लें तो देखिए स्ट्रेंथ तो सबसे बड़ी यही है कि उनका जो बैटिंग कोर है वो बहुत अच्छा है। ऊपर से लेकर नीचे तक आप देखें तो बहुत सारे अच्छे प्लेयर हैं। आप देखिए सुनील नारायण ओपनिंग करते हैं, उनके साथ क्विंटन डिकॉक आ जाएंगे, नंबर 3 पे वेंकटेश अय्यर आ जाएंगे, फिर नीचे आपके पास रमनदीप सिंह है, आपके पास रसल है, आपके पास बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, और भूलिए मत इस टीम में रिंकू सिंह भी है, वो रिंकू सिंह जो कि केकेआर टीम की कप्तानी भी कर सकते हैं। तो आई थिंक केकेआर टीम की बहुत सॉर्टेड प्लेइंग 11 लग रही है, और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस टीम की बैटिंग। इसके अलावा अगर आप गेंदबाजों की बात करें तो जो टीम का स्पिन डिपार्टमेंट है वो फिर से टॉप नॉच है। सुनील नारायण वहां पर है, वरुण चक्रवर्ती वहां पर है, तो आपको स्पिनर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। गेंदबाजों की बात करें तो ठीक ठाक गेंदबाजी लगती है। जरूर मिचेल स्टार्क का ना होना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या एनरिक नोकिया वो काम कर पाएंगे। लेकिन अब अगर इस टीम की वीकनेस की बात करें तो सबसे बड़ी वीकनेस आती है कप्तानी। श्रेयस अय्यर चले गए, आप वेंकटेश अय्यर को ले आए 23 करोड़ में। अब सवाल ये है कि आप कप्तान वेंकटेश अय्यर को बनाएंगे जिन्हें आप 23 करोड़ में लेकर आए, या रिंकू सिंह को बनाएंगे। ये दो ऑप्शन है, और कोई भी बहुत ज्यादा प्रूवन एंड टेस्टेड कैप्टन नहीं है। ना रिंकू सिंह ने बहुत कप्तानी की है, ना वेंकटेश अय्यर ने बहुत कप्तानी की है, तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर केकेआर लैक कर सकती है। खैर अगर टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो क्विंटन डिकॉक आ जाएंगे, साथ में होंगे सुनील नारायण, 3 नंबर पर आएंगे वेंकटेश अय्यर और अंकरिश रघुवंशी। लोअर ऑर्डर की बात करें तो रिंकू सिंह आ जाएंगे, आंड्रे रसल आ जाएंगे, रमनदीप सिंह आ जाएंगे, और फिर गेंदबाजों में आपके पास हर्षित राणा है, एनरिक नोकिया है, वरुण चक्रवर्ती है, वैभव अरोड़ा है और मयंक मार्कंडे। ये केकेआर की टीम नजर आ रही है। खैर इसके बाद बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, एक और ऐसी टीम जिसका पिछले साल जो कोर था वो एकदम कमाल का था। इस साल अगर सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो जिन भी प्लेयर्स को खरीदा है वो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं, और इस टीम की स्ट्रेंथ है उसका टॉप ऑर्डर, मतलब क्या विस्फोटक प्लेयर्स हैं। आप ऊपर से शुरू कीजिए, यहां पर आपको ट्रेविस हेड दिखेंगे, आपको अभिषेक शर्मा दिखेंगे, ईशान किशन को खरीद लिया है, क्लासन इस टीम में है, नीतीश कुमार रेड्डी है, तो आई थिंक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस टीम की है तो इस टीम का टॉप ऑर्डर है। इसके बाद अगर आप गेंदबाजों की बात करें तो वहां भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। आपने हर्षल पटेल को खरीदा, आपने शमी को खरीदा, पैट कमिंस आपके पास पहले से हैं, तो जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो भी टॉप नॉच नजर आ रहा है। खैर सबसे बड़ी दिक्कत इस टीम की जो लग रही है, या कहें कि वीकनेस जो इस टीम की लग रही है, वो क्लासन के बाद आपके पास फिनिशिंग ऑप्शन नहीं। मतलब नीचे अगर आप देखें तो आपने मनोहर को खरीदा है,
आपके पास कमिंदु मेंडिस है, आपके पास निशांत सिंधु है, और कोई भी प्लेयर आपको उतना भरोसा नहीं देता जब फिनिशिंग की बात करें। मतलब टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप नीचे जाते हैं तो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस नजर आता है। इवन अगर आप गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजी बहुत अच्छी दिखती है, पर जो फिनिशिंग है वो एक बड़ी क्वेश्चन मार्क हो सकता है। खैर, अगर टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो अभिषेक शर्मा, साथ में ट्रेविस है, नंबर 3 पे आएंगे ईशान किशन, 4 पर आ जाएंगे एनरिक क्लासन, 5 पे आ जाएंगे नितेश रेड्डी। यहां तक ये टीम कमाल की। अब आप नीचे देखें तो अभिनव मनोहर आ सकते हैं, कमिंदु मेंडिस आ सकते हैं, ये थोड़ा सा एक लैक कर रही है ये टीम, लेकिन गेंदबाज उतने ही अच्छे हैं इस टीम के पास। कप्तान पैट कमिंस होंगे, उनके साथ हर्षल पटेल होंगे, मोहम्मद शमी होंगे, और स्पिन गेंदबाजों में टीम के पास राहुल चाहर हैं और साथ में एडम जैम्पा का भी ऑप्शन है। तो आई थिंक एसआरएच की टीम ओवरऑल अच्छी लग रही है। अब चलते हैं जरा एक और ऐसी टीम के पास जिनके बड़े चर्चे थे। उस टीम का नाम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। भाई, एक ऐसी टीम जिसको लेकर बड़ा डिबेट चल रहा है। कोई कह रहा है कि यार आरसीबी ने इस बार बड़े प्लेयर्स नहीं खरीदे, पर टीम अच्छी बना ली, बैलेंस टीम लग रही, बड़े नामों के पीछे नहीं गए पर टीम अच्छी लग रही है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यार आरसीबी ने ना हर साल की तरह बेड़ा गर्की किया, कोई अच्छी टीम नहीं है, आपने ऐसे प्लेयर्स को ले लिया है जो अगर चल जाएंगे तो बहुत अच्छे खेल जाएंगे, नहीं चलेंगे तो आप फिर 49 ऑल आउट हो जाएंगे। तो चलिए जरा देखते हैं इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। अब देखिए, स्ट्रेंथ मुझे लगता है सबसे बड़ी ये है कि आप इस बार बड़े प्लेयर्स की तरफ नहीं गए, ना आप ग्लेन मैक्सवेल की तरफ गए, ना आप ऋषभ पंत की तरफ गए, ना आप श्रेयस अय्यर की तरफ गए। हर बार आपका एक जो वो बन गया था कि ये बड़े प्लेयर्स पर जाती है, बड़े बड़े नाम होते हैं लेकिन चलता तो कोई भी नहीं है। तो इससे अच्छा आप ऐसे प्लेयर्स को लें जो बड़े नाम ना हो लेकिन चलें आपके लिए। अब फिल सॉल्ट आई थिंक एक एक्सेप्शनल बाय थे, विराट कोहली, फिल सॉल्ट का जो ओपनिंग डू है वो बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन इसके बाद 3 प्लेयर्स ऐसे आ जाते हैं जो कि अगर चल गए तो आरसीबी की बल्ले बल्ले, और अगर नहीं चले तो आरसीबी बॉटम पे भी फिनिश कर सकती है। उन प्लेयर्स का नाम है लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा और कृणाल पांडे। दिनेश कार्तिक ने इंटरव्यू में कहा कि हमने जितेश को सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और हमें ऐसे ही प्लेयर्स चाहिए, हमें उम्मीद है कि जितेश हमारे लिए अच्छा करेंगे। तो अब आपको उम्मीद है आप उनसे अच्छा करवा देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन जितेश शर्मा, लियाम लिविंगस्टन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने पिछले साल कुछ भी नहीं किया था। इवन आप टिम डेविड को देख लें, टिम डेविड मुंबई के लिए फ्लॉप थे, पंजाब किंग्स के लिए ना लियाम लिविंगस्टन चले ना जितेश शर्मा चले। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो आपका मिडिल ऑर्डर है वो बहुत टेस्टेड नहीं है, लास्ट ईयर परफॉर्म किया नहीं था, तीनों फ्लॉप हुए थे, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा आरसीबी की एक और वीकनेस की बात करें तो आपका फास्ट डिपार्टमेंट तो अच्छा है, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, यश दयाल, तीनों अच्छे बोलर्स हैं, स्पिन डिपार्टमेंट का क्या? सोचिए एक ऐसा मैदान जहां पर ग्रेवयार्ड कहा जाता है बोलर्स के लिए, एकदम फ्लैट पिच चिन्नास्वामी की, वहां पर आपने सुयश शर्मा को लिया है, कृणाल पांड्या को लिया है, क्या आपको लगता है कि ये इफेक्टिव हो सकते हैं चिन्नास्वामी? ना सुयश शर्मा ने बहुत ज्यादा गेंदबाजी की है और कृणाल पांड्या भी कोई बहुत बड़े स्पिनर नहीं है, बहुत बॉल टर्न नहीं करता है उनका, लाइन लेंथ अच्छी डालते हैं, थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं वो अलग बात है, पर स्पिन वीकनेस है इस टीम की। अब अगर पॉसिबल 12 की बात करें तो इस टीम में विराट कोहली के साथ फिल सॉल्ट ओपन करेंगे, रजत पाटीदार 3 पे आएंगे, यहां तक सब ठीक है, लेकिन नीचे क्या? कृणाल पांड्या, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, 4 ऐसे प्लेयर्स जिनका कोई भरोसा नहीं है। अगर चल गए तो आरसीबी टॉप पे जा सकती है, नहीं चले तो बॉटम पे भी जा सकती है। इसके अलावा अगर टीम की बॉलिंग की बात कर लें तो सुयश शर्मा खेल सकते हैं, साथ में आप रासिकदार को खिला सकते हैं, और पेस डिपार्टमेंट तो टॉप नॉच है, भुवनेश्वर कुमार को आपने लिया जिनकी 14 साल बाद घर वापसी हुई, आपने जॉश हेजलवुड को लिया, आपके पास यश दयाल है। तो टीम का फास्ट बॉलिंग अच्छी है, स्पिन थोड़ी हल्की है, बैटिंग की बात करें तो टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा है लेकिन नीचे थोड़ा सा हल्का है। अब चलते हैं जरा दिल्ली कैपिटल्स की तरफ, एक और ऐसी टीम जिसे सारे एक्सपर्ट्स ने आईपीएल ऑक्शन की सबसे अच्छी टीम बताया, क्या कमाल की टीम बनी है। मतलब आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स इकलौती ऐसी टीम है जिसके पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी अपनी टीम्स के फ्यूचर माने जा रहे हैं। अब सोचिए, जेक फ्रेसर मैगक ऑस्ट्रेलिया के फ्यूचर, हैरी ब्रुक इंग्लैंड का फ्यूचर, ट्रिस्टन स्टब साउथ अफ्रीका का फ्यूचर, 3 ऐसे यंग प्लेयर्स जो अगर चल गए तो दिल्ली टीम की मौज आ जाएगी। अब अगर इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की बात करें तो स्मार्ट बाइज बहुत थे। अब सोचिए, ऋषभ पंत 27 करोड़ में जाते हैं, श्रेयस अय्यर 26 करोड़ में जाते हैं, लेकिन केएल राहुल को आपने 14 करोड़ में खरीद लिया, आपने मिचेल स्टार्क को सिर्फ 11 करोड़ में खरीद लिया। सोचिए, जितने प्राइस में ऋषभ पंत गए, श्रेयस अय्यर गए, आपने राहुल और स्टार्क को मिलाकर उतने में खरीद लिया, बहुत सारे स्मार्ट बाइज थे। आपने नटराजन को खरीदा, आपने आशुतोष शर्मा को खरीदा, आपने समीर रिजवी को 1 करोड़ से कम में खरीद लिया, भाई यूपी T20 लीग में वो वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर थे। तो आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स का जो बैटिंग है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव है, एक्सपीरियंस भी है केएल राहुल के तौर पर, फाफ डुप्लेसिस भी वहां पर है। तो वही बात है, अगर ये सब अपनी जगह पर चल गए तो दिल्ली कैपिटल्स इस साल अपनी आईपीएल की पहली ट्रॉफी जीत सकती है। अब जाहिर सी बात है, स्ट्रेंथ है तो वीकनेस भी होगी। वीकनेस ये कहती है कि जो टीम का फिनिशिंग है वो उतना ज्यादा भरोसेमंद नहीं है। आपको आशुतोष शर्मा दिखते हैं, आपको अक्षर पटेल दिखते हैं, और इनमें से कोई भी वो प्लेयर नहीं है जो कि 200 के स्ट्राइक रेट से मारे।
आशुतोष ने लास्ट ईयर किया था, पर एक सीजन पे कितना भरोसा? अच्छे प्लेयर हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं, पर वो लेवल की फिनिशिंग नहीं है। जैसे आप केकेआर को देखिए, रिंकू सिंह, रसल और रमनदीप, उसे फिनिशिंग कहते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के पास उसकी थोड़ी सी कमी है, लेकिन जो थोड़ी सी कमी उनकी फिनिशिंग में है वो गेंदबाजी बराबर कर देती है। क्योंकि आई थिंक आईपीएल ऑक्शन के बाद किसी टीम की सबसे अच्छी बॉलिंग है तो वो दिल्ली कैपिटल्स है। भाई मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, मोहित शर्मा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, कमाल की बॉलिंग है दिल्ली कैपिटल्स की। इस टीम की अगर प्लेइंग 11 देख लें तो राहुल के साथ जेक फ्रेसर, मैगक हैं और फाफ डू प्लेसिस भी आ सकते हैं। तीन नंबर पे आपके पास ऑप्शन है, आप समीर रिजवी को खिला दीजिए, आप अभिषेक पोरेल को खिला दीजिए। उसके बाद नीचे आपके पास यंगस्टर्स आ जाते हैं, हैरी ब्रुक, ट्रिस्टन स्टब्स। फिर अगर ऑलराउंडर्स की तरफ चलें तो अक्षर पटेल आ जाते हैं, मिचेल स्टार्क खेलेंगे, कुलदीप यादव खेलेंगे, नटराजन, मोहित शर्मा और मुकेश कुमार। ये हो सकती है दिल्ली कैपिटल्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11। और आई थिंक आईपीएल ऑक्शन के बाद सबसे अच्छा काम किसी ने किया तो वो दिल्ली कैपिटल्स हो गए। अगली टीम की बात करें तो नाम आ जाता है पंजाब किंग्स का, एक और ऐसी टीम जिसपे बड़ा पर्स था, और ये कहना गलत नहीं है कि इस बार पर्स को सबसे अच्छे से यूटिलाइज किया। सबसे पहले आपने कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर को खरीदा, 26 करोड़ दिए, लेकिन वो आईपीएल विनिंग कैप्टन है, लास्ट ईयर ट्रॉफी जीत कर आ रहे हैं, तो श्रेयस अय्यर को खरीदना एक स्मार्ट पिक हो सकता है। श्रेयस अय्यर को आपने खरीदा, आपने ग्लेन मैक्सवेल को खरीद लिया, मार्क कास्टोइनिस को खरीदा, मार्को यानसन को खरीदा। आई थिंक पंजाब किंग्स ने भी बहुत अच्छे 22 इस साल आईपीएल में किए। आपका जो ओवरसीज कंटेंशन है वो बहुत अच्छा नजर आ रहा है। गेंदबाजों की बात करें, आपने अर्शदीप सिंह को 18 करोड़ में खरीदा, आपने चहल को 18 करोड़ में खरीदा। एक ऐसी दिक्कत जो पंजाब की हर साल रहती थी, आप हरप्रीत ब्रार को खिलाते थे, राहुल चाहर को खिलाते थे, क्वालिटी स्पिनर कभी नहीं था। अब चहल आ गए हैं, अर्शदीप सिंह आ गए हैं, मार्को यानसन आपके पास है, तो बॉलिंग भी बहुत अच्छी नजर आ रही है। अब एक छोटी सी दिक्कत ये लगती है कि जिन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पे आपने भरोसा जताया वो पहले भी आपके पास थे, पहले भी आपके लिए ग्लेन मैक्सवेल खेल चुके हैं और कुछ भी नहीं किया था उन्होंने। लॉकी फर्ग्यूसन की बात कर लें, जिन्हें आपने काफी भरोसा जताकर खरीदा, पर उनका भी पिछला कुछ साल बहुत अच्छा नहीं रहा है। और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की दिक्कत यह है कि अगर चलते हैं तो बहुत अच्छे चलते हैं, नहीं चलते हैं तो बिल्कुल फ्लॉप हो जाते हैं। एरन हार्डी को खरीदा, मार्क कास्टोइनिस को खरीदा, ग्लेन मैक्सवेल को खरीदा, जॉश इंग्लिश को खरीदा, वो रिकी पॉन्टिंग इफेक्ट आ गया। अब जाहिर सी बात है, रिकी पॉन्टिंग ने अगर इन प्लेयर्स को चला दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चल पाए तो पंजाब का वही हाल होगा जो हर साल होता है। इस टीम की अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो प्रभसिमरन सिंह विकेट कीपर होंगे और उनके साथ आ सकते हैं जॉश इंग्लिश। नीचे आ जाए तो श्रेयस अय्यर कप्तान होंगे, शशांक सिंह आ जाएंगे, ग्लेन मैक्सवेल आ जाएंगे, मार्क कास्टोइनिस आ जाएंगे। मार्को यानसन इस टीम में नंबर 8 पे खेलते हैं, मतलब क्या फिनिशिंग है इस टीम की। ग्लेन मैक्सवेल, मार्क कास्टोइनिस, मार्को यानसन, कमाल की फिनिशिंग। गेंदबाजों की बात करें तो आपके पास हरप्रीत ब्रार है, आपके पास युजवेंद्र चहल है, दो क्वालिटी स्पिनर्स हैं। फिर तेज गेंदबाजों में आपके पास ऑप्शन है, आप अर्शदीप को खिला सकते हैं, आप किसी इंडियन बॉलर को खिला सकते हैं, आप लॉकी फर्ग्यूसन को खिला सकते हैं। ये पंजाब की कहानी। अगली टीम की बात करें तो अगला नाम आ जाता है लखनऊ सुपर जायंट्स का। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि लखनऊ की टीम थोड़ी सी निराश हो। टॉप ऑर्डर की बात करें, आपके पास कोई प्रॉपर ओपनर नहीं है, कोई डेजिग्नेटेड ओपनर नहीं है, आपको किसी ऐसे प्लेयर से ओपन कराना पड़ेगा जो ओपनिंग करता ही नहीं है, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे वो एडन माक्रम। तो आई थिंक इस टीम की अगर सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात कर लें तो जो आपका मिडिल ऑर्डर है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव है। निकोलस पूरन है, ऋषभ पंत आ गए हैं, डेविड मिलर आ गए हैं, बहुत अच्छा मिडिल ऑर्डर नजर आ रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि टॉप ऑर्डर का क्या होगा। आपके पास मिचेल मार्श का ऑप्शन है, एडन माक्रम का ऑप्शन है, ऋषभ पंत का ऑप्शन है, और तीनों ही ओपनर्स नहीं है। एडन माक्रम ओपनिंग करते हैं पर वो एक प्रॉपर ओपनर नहीं है, T20 में तो स्पेशली नहीं है, साउथ अफ्रीका के लिए भी वो नंबर 3 नंबर 4 पे खेलते हैं, तो ये एक बड़ी दिक्कत है लखनऊ के लिए। इसके अलावा अगर आप लखनऊ की बात करें तो बॉलिंग भी बहुत वीक लग रही है, आपके पास इंजरी प्रोन प्लेयर्स बहुत सारे हैं। भाई आपने मयंक यादव को रिटेन किया था, आपने मोहसिन को रिटेन किया था, तो कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि 14 मैचेस खेलने का भरोसा देता हो, कोई भी इंजर्ड हो सकता है। मोहसिन खान का इंजरी के साथ पुराना रहता रहा है, मयंक यादव का भी रहा है, कोई भरोसा नहीं कौन कब इंजर्ड हो जाए। इस टीम की अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो मिचेल मार्श, एडन माक्रम के साथ आ सकते हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है। नंबर 3 नंबर 4 ऋषभ पंत, आयुष बदोनी हो सकते हैं, नीचे आपके पास निकोलस पूरन आ जाते हैं, डेविड मिलर आ जाते हैं, अब्दुल समद एक और आपको फिनिशिंग का ऑप्शन दे देते हैं। गेंदबाजों की बात करें तो आपके पास शाहबाज अहमद है, रवि बिश्नोई, स्पिन बॉलिंग ठीक है, लेकिन तेज गेंदबाजों में आपके पास मोहसिन खान है, आपके पास मयंक यादव है, आपके पास आवेश खान, सारी इंडियन बॉलिंग और ऐसी बॉलिंग जो कि कभी भी इंजर्ड हो सकती है। खैर देखते हैं लखनऊ क्या करती है। बात कर लेते हैं एक और ऐसी टीम की जो कि लखनऊ के साथ आई थी, यानी कि गुजरात टाइटंस। और पर्सनली मुझे लगता है कि गुजरात टाइटंस का ऑक्शन बहुत अच्छा गया है, क्योंकि आईपीएल में एक पुरानी कहावत है कि आप जब टूर्नामेंट जीतते हैं तो आपकी गेंदबाजी आपको जिताती है, और गेंदबाजी इस टीम की बहुत अच्छी है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ गेंदबाजी है। सोचिए आपके पास कगिसो रबाडा आ गए हैं, आपके पास राशिद खान पहले से, आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा भी हैं, क्या टॉप नॉच बॉलिंग बनाई है, और आपने वॉशिंगटन सुंदर को भी ले लिया है, सोचिए कितनी अच्छी बॉलिंग बन गई है। लेकिन दिक्कत इस टीम की यह है कि आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। अब आप ऊपर से शुरू कीजिए,
जॉस बटलर ठीक है, साई सुदर्शन ठीक है, शुभमन गिल ठीक है, लेकिन नीचे आपके पास कुछ ऐसे प्लेयर्स आ गए हैं जो कि शायद अगर रिटेन नहीं हुए होते तो शायद टीम में भी ना होते। मैं बात कर रहा हूँ शाहरुख खान की, मैं बात कर रहा हूँ राहुल तेवतिया की, जो कहने को गुजरात के लिए बहुत साल फिनिशिंग कर चुके हैं, पर कितने साल और? क्या आप अगले 3-4 साल उन्हें खेलते देख रहे हैं? क्या आप शाहरुख खान को 3-4 साल खेलते देख रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कि गुजरात टाइटंस ने शायद एड्रेस नहीं की। प्लेइंग 11 देखिए तो ठीक बन रही है, जॉस बटलर आ जाएंगे ऊपर जो शायद T20 क्रिकेट के सबसे बड़े प्लेयर हैं, दूसरे नंबर पे आपके पास शुभमन गिल का नाम है, साई सुदर्शन तीसरे पे, उसके बाद क्या? अब आपको खिलाना पड़ेगा महिपाल लोमरोर को, ग्लेन फिलिप्स को, शाहरुख खान को, राहुल तेवतिया को, और ये बहुत वीक मिडल ऑर्डर है, ये वीक मिडल ऑर्डर है। और नीचे की कहानी बहुत अच्छी है, राशिद खान आ जाते हैं, वॉशिंगटन सुंदर आ जाते हैं, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। मोहम्मद सिराज को मैं कैसे भूल रहा था। तो आई थिंक जो फास्ट बॉलिंग है वो एकदम बहुत अच्छी है, अहमदाबाद का बड़ा मैदान, रबाडा, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, साथ में राशिद खान और वॉशिंगटन सुंदर। तो आई थिंक IPL में जो सबसे अच्छी बॉलिंग है वो या तो दिल्ली की है या तो गुजरात की। मिडल ऑर्डर को आप कैसे एड्रेस करेंगे ये आप जानिए। खैर आज की आखिरी टीम की बात करते हैं जो कि राजस्थान रॉयल्स होगी, एक और ऐसी टीम जिसने कोशिश तो पूरी की लेकिन आपका वो जो एक कोर हुआ करता था ना, जो संगकारा ने टीम बनाई थी, आई थिंक वो ज़्यादा अच्छी थी। आप मैन टू मैन मार्क कीजिए, आपके पास ऊपर जॉस बटलर हुआ करते थे, आपके लिए जॉस बटलर चले गए, आपने लिया किसको? आपने नीतीश राणा को लिया, और अब आपका जो टॉप 5 या टॉप 6 हो चुका है वो पूरा इंडियन है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब आप टीम बनाइए, यशस्वी जायसवाल, जायसवाल, संजू, 3 नंबर पर नीतीश राणा आ जाएंगे, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, सारे इंडियन प्लेयर्स हैं। क्या आपको लगता है कि ये वो टीम है जो कि 200 या 250 बना सकती है, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट चाहता है, जिस तरह से खेला जाता है आजकल IPL? इसके अलावा नीचे भी देखें तो शिमरन हेटमायर, जो आई डोंट थिंक कितना भरोसा देंगे आपको, वो वेस्टइंडीज की टीम में भी नहीं खेल रहे आज तक। जॉस बटलर एक ऐसे प्लेयर थे जो 3-4 मैच आपको अकेले जिताते थे, लेकिन उनकी जगह आपने नीतीश राणा को ले लिया जो नंबर 3 पे खेलेंगे। तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर लैग कर रही है राजस्थान की टीम। नीचे आप जाएं तो स्पिनर्स अच्छे आपने ले लिया, आपने वनिंदु हसरंगा को ले लिया, महेश तीक्ष्णा को ले लिया, लेकिन फास्ट बॉलिंग आपकी फिर से वीक हो गई। भाई आपके पास ट्रेंट बोल्ट जैसा बॉलर था, उसको रिप्लेस किया है आपने जोफ्रा आर्चर से, और जोफ्रा आर्चर का इतिहास ये कहता है आप उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, कब इंजर्ड हो जाएंगे, कब नाम वापस ले लेंगे, कुछ भरोसा नहीं है। जोफ्रा आर्चर को लेकर बहुत बड़ा रिस्क लिया है। इसके अलावा आपने फजल अक फारूकी को लिया है, तुषार देशपांडे को लिया है, संदीप शर्मा को लिया, तो आई डोंट थिंक कि वो जो आपकी एक जमाने में बॉलिंग हुआ करती थी वो इस तरह की होगी। ट्रेंट बोल्ट आपके पास थे, आपके पास संदीप शर्मा थे उस टाइम पे जो अभी भी हैं, लेकिन उसके अलावा फजल अक फारूकी, जोफ्रा आर्चर, बोल्ट की क्वालिटी की तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही नीतीश राणा जॉस बटलर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो आई थिंक ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो इन सब टीमों के मन में होगी, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है जब बड़ी ऑक्शन होती है तो हर टीम में कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है, लेकिन आखिर में तभी पता चलेगा जब IPL की शुरुआत होगी और कौन सा प्लेयर्स किस तरह से परफॉर्म करेंगे। लेकिन ये इन सारी टीम्स का एनालिसिस था, आप बताइए ये सारा एनालिसिस सुनने के बाद अब आपको कौन सी टीम सबसे अच्छी लग रही है और कौन सी टीम सबसे ज़्यादा वीक लग रही है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।